ये कांच के दो टुकड़े लिए हैं दोस्तों, इसमें निकाल रहे हैं कपूर, देख सकते हैं आप, ये कपूर है। अब इसको जलाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो जलाने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, और अगर ये जिसको ठंडा किया जाए तो सीधे गैस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए या डायरेक्ट ठोस अवस्था में चला जाता है। तो आपको मैं यही एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिएगा आप, ये जो कपूर है देखिएगा, तो जिसको जलाएंगे, इसको जलाने का तरीका जो होगा, तो उसमें डायरेक्ट आग नहीं लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्ट होगी रिएक्शन, स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। ये कांच देख सकते हैं आप, ये धुआं उठ रहा है, इसमें भाप, इसकी भाप जो बन रही है दोस्तों, स्टीम जो इसकी बन रही है, इस स्टीम में नमी बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट पाउडर निकलेगा इसमें। आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, जो कांच में ऊपर वाला कांच मैंने रखा है, इस कांच में जो भाप जा रही है, इस भाप में मॉइस्चराइजिंग बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं आप। ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट पाउडर इसका निकलेगा, क्योंकि ये द्रव अवस्था में नहीं आता है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं कपूर जल चुका है। यदि हम चाहते तो कपूर को डायरेक्ट भी जला सकते थे, लेकिन डायरेक्ट जलाने पे पूरा खराब हो जाता है, जलाने की सही प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। अब हम इसको रखते हैं आराम से, ये देखिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो हमने निकाला है। अब देखिएगा इसमें जो भाप नहीं बनी, डायरेक्ट क्रिस्टल के रूप में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए डायरेक्ट पाउडर के रूप में आपको दिख रहा होगा, ये इसकी भाप थी, ये देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये द्रव अवस्था में नहीं आता, सीधे फिर से ठोस अवस्था में पाउडर के रूप में, ये देखिए फिर से उसी रूप में चला गया, ये द्रव अवस्था में नहीं आता है दोस्तों। इसकी खास बात ये है कि द्रव अवस्था में नहीं आता, जलाने पे सीधे, एकमात्र ऐसा पदार्थ है दोस्तों कपूर जो जलाने पर सीधे ये सॉलिड से सीधे गैस में चला जाता है, लिक्विड में नहीं आता ये। तो आप देख सकते हैं ये। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।